सुबह सवेरे में आपका स्वागत है पिल्लई साहब, आपको बहुत बहुत बधाइयाँ 32 सालों बाद भारतीय हॉकी को एक स्वर्ण पदक दिलाने के लिए। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। कैसा महसूस हो रहा है आपको? बड़ी खुशी हो रही है, 32 साल बाद ये हिंदुस्तान में गोल्ड मेडल आया, और वो भी हॉकी। बहुत सालों से इंतज़ार कर रहा था कि ये गोल्ड मेडल इस बार हिंदुस्तान में आए, तो हॉकी प्लेयर और हमने ले आए, तो इतने खुश है लड़के हैं कि मैं बता नहीं सकता। आपको लगता है कि ये कहा जा रहा है कि इस जीत के बाद अब शायद हॉकी का रिवाइवल हो सकता है, होना आपको चाहिए, लगता है कि हो सकेगा? होना चाहिए, क्योंकि 32 साल बाद ये गोल्ड आया है, तो मुझे गर्व होगा कि हॉकी में भी अगर पैसा आ जाए, फाइनेंशियली बेनिफिट हर प्लेयर को मिले, हर मल्टीनेशनल कंपनी हॉकी में भी आए और स्पॉन्सर करें, तो हॉकी का भी स्टैंडर्ड बहुत ऊपर चले जाएगा। आप हॉकी की दशा को लेकर, हॉकी के प्रति दूसरे के नज़रिए को लेकर, उपेक्षा को लेकर हमेशा से नाराज़ रहे हैं, अभी भी नाराज़गी है अभी? नहीं, मैं किसी स्पोर्ट्स पर्सन के ऊपर नाराज़ नहीं है या किसी नहीं, जिस तरह से टोटलिटी में उपेक्षा की जाती है हॉकी की और दूसरे खेलों को महत्व दिया जाता है। नहीं, हर हर खेलों को महत्व देना चाहिए हिंदुस्तान में, हर खिलाड़ियों को इज्जत देना चाहिए हिंदुस्तान में, क्योंकि जो प्लेयर अच्छे बेनिफिट मिल रहे हैं तो उनकी स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड नहीं, बहुत जैसे अभी बढ़िया आप है। जब एशियाड से लौटे और बॉम्बे में आपको पूरी रात जिस ढंग से हमारे खिलाड़ियों को रहना पड़ा, ऐसा तो अगर क्रिकेट के खिलाड़ी होते तो उनके साथ कभी नहीं होता, तो ये आपको नहीं अखरता कि हम इतना देश के लिए इतनी मेहनत करते हैं? ये आंकड़ा इसलिए मैं टीवी पे बताया ना कि 32 साल बाद स्वर्ण पदक जीतने वाला कप्तान, इंडियन एयरलाइंस के ऑफिशियल्स ट्रांजिट कार्ड देने के बाद 2.5 घंटा मुंह नहीं दिखाए कि वो कहाँ चले गए थे, कहाँ नहीं चले गए थे पता नहीं। 2.5-3 घंटे बाद हम लोगों को होटल लेके गया, 4 घंटा हम लोग एयरपोर्ट, 4-4.5 घंटा एयरपोर्ट पे रुके रहे, उसके बाद 3 बजे हम लोगों को लीला में जाना पड़ा, होटल लीला में। लोगों ने महसूस किया कि भारत ने गोल्ड तो जीता है लेकिन अभी भी उसका प्रदर्शन जो है वैसा नहीं हो पाया जैसा होना चाहिए, वैसी वैसे लय अभी भारतीय टीम को नहीं मिली है। आप महसूस करते हैं कुछ खामियां, कुछ कमजोरियां अपनी टीम में अभी? मेरी टीम में कोई कमजोरियां नहीं थी, कोई कमी नहीं थी। 16 के 16 लड़के, कोच, 2 और मैनेजर, हम लोगों ने कड़ी मेहनत की वहाँ जाने के बाद भी, और सभी लड़के बहुत बढ़िया मेहनत करी। अभी जो लोग सोच रहे हैं कि या सामने वाली टीम कमज़ोर रही होगी, मुझे नहीं लगता कि सामने वाली टीम कोई कमज़ोर होगी। आने वाले समय में आप जापान को देख लीजिए, वो बहुत आगे निकल जाएगी। तो अब ओलंपिक के लिए आपकी क्या तैयारी होगी? आप अपनी हॉकी की शैली में कोई परिवर्तन करना चाहेंगे? खिलाड़ियों में कोई रद्दोबदल चाहेंगे? अभी ये जो खिलाड़ी 16 थे और उसमें और जितने अच्छे खिलाड़ी हिंदुस्तान में हैं उनको भी कैंप में बुलाना जा चाहिए, और एक बैच 25 की या 30 की जो भी है वो बना देना चाहिए, 2000 तक उसको कैंप करते रहना चाहिए। पिल्ले साहब, अगर आपसे ये कहा जाए कि 2-3 लाइनों में आप ऑफिशियल्स को, हमारे राजनेताओं को, हमारे खिलाड़ियों को कोई संदेश देना चाहेंगे हॉकी के बारे में, तो क्या बोलेंगे आप? कहना क्या है, यही कहेंगे कि हर स्पोर्ट्समैन को फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट से मिलना चाहिए, और हर स्पोर्ट्समैन को इज्जत की नज़र से देखें, ये कहूँगा और तो कुछ। पिल्ले साहब, उम्मीद करना चाहिए कि जो आपकी सफलता को अपने श्रेय बताकर शेर लूटने के फिराक में हैं वो आपकी बातों को सुन रहे होंगे और इससे कोई सबक भी ले रहे होंगे। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको सुबह सवेरे में आने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, फिर से बहुत बहुत बधाइयाँ। थैंक यू जी, थैंक यू। और अब चलते हैं राशि और इखलाक के पास आगे का कार्यक्रम देखने के लिए।